नमस्कार, मैं विवेक शाही और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रोज़ की तरह हम आज भी जनता के बीच जाकर अहम मुद्दों पर चर्चा करते हैं, जनता की राय जानते हैं। अब पिछली रात से उत्तर प्रदेश में सभी बिजली कर्मचारी जो हैं वो हड़ताल पे हैं, कार्य बहिष्कार कर दिया गया है और 72 घंटे तक कार्य बहिष्कार की घोषणा की गई है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में लगातार बिजली का संकट भी पैदा होता दिख रहा है। गोरखपुर, प्रयागराज समेत तमाम बड़े महानगरों में जो उपकेंद्र हैं वो ठप पड़ चुके हैं और बिजली जो है वो सेवाएं उसकी बाधित हो गई है। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन बिजली कर्मचारी अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। उनका सीधा तौर पर यह कहना है कि जब तक दिसंबर 3, 2022 में पूरी हुई मांगे, जो मांगे जारी की गई थी, रखी गई थी, वो पूरा नहीं हो जाता, तब तक वो कार्य बहिष्कार करेंगे। और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो कर्मचारियों को अपने काम पे वापस लौटने का आग्रह कर रहे हैं। और जो लोग भी कर्मचारियों को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा है, उन पर कार्रवाई की जाएगी, एस्मा लगाया जाएगा। तमाम बड़े निर्देश जो है ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने दिया है। इस समय हम दैनिक चौराहे के पास है, यहाँ पे बिजली कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है। अपने सहयोगी से मैं कहूंगा कि वो दिखाएं किस प्रकार की चीजें यहाँ पे हैं। तमाम बड़े लोग जो है वो यहाँ पे विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। उसे कहूंगा कि विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के लोग जो है यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं, लगातार 24 घंटे के कार्य बहिष्कार की मांग कर रहे हैं। लोग तमाम यहाँ विद्युत कर्मचारी जो है यहाँ पे जमा हुए हैं, कार्य बहिष्कार की बात कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर जो है डटे हुए हैं। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक चेतावनी कह सकते हैं ये दिया गया है कि अपने कार्य पे वापस लौट जाएं, वरना ऐसे लोगों के खिलाफ एस्मा का प्रयोग किया जाएगा। अब हम यहाँ पे कुछ लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे, लोगों से जानना चाहेंगे कि उन बिजली कर्मचारियों की मांग क्या है। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपको दिखाते हैं कि सर क्या नाम है आपका? वीरेन नाम। वीरेन जी, आप कौन से पद पे हैं, क्या काम करते हैं? मैं संविदा कर्मी हूँ, जो है ऑफिस वर्क देखता हूँ। और आप हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या कुछ मांगे हैं आपकी जो आप लोग प्रदर्शन करने पे मजबूर हैं? आपको पता चला है कि इससे पहले भी धरना कर रहे थे हम लोग। संविदा कर्मियों की भी मांगे हैं, जो हम लोगों को एक समान वेतन नहीं दिया जा रहा है और 24 घंटे काम करने के लिए कहा जा रहा है, इससे हम लोग भी संगठन के साथ आकर और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कितने वेतन की मांग है अभी? आपको कितना वेतन मिलता है? 10,000। 10,000 मिलता है। कितनी आप मांग चाहते हैं? 25,000 तक। क्या काम आपको और करना होता है? कुछ नहीं, ऑफिसर और टेक्निकल हैं हम लोग जो है, और नॉन टेक्निकल नहीं है, टेक्निकल है हम लोगों को। लाइन पे भी काम कराया जाता है और 24 घंटे कहा जाता है, तो हम लोगों को कम से कम सैलरी तो अच्छी दी जाए, ये कहा जाता है। तो ये वीरेन जी हैं जो बिजली विभाग में संविदा कर्मी हैं और टेक्निकल काम करते हैं, लाइन पे भी काम करते हैं। उन्होंने बताया कि इनकी कुछ मांगे हैं, जो सरकार मांग ले तो अपने काम पे वापस लौट जाएंगे। और क्या कुछ मांगे हैं जो संगठन लगातार मांग कर रहा है कर्मचारियों के लिए? बात कर लीजिए हमारे सर लोगों और हम और कुछ भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश। इस समय हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ और उनकी मांगे हैं और वो प्रदर्शन कब तक जारी रखेंगे। क्या नाम है दादा आपका? हमारा नाम जलीलुर रहमान है, मैं विद्युत मजदूर संगठन से हूँ। और हमारी मांगे जो हैं टाइम स्केल की हैं, 3 टाइम स्केल हम लोगों को जो पहले मिला करते थे वो रुके हुए हैं, और हम लोगों को कैशलेस की प्रॉब्लम है, कैशलेस इलाज होना चाहिए हम लोगों का। और जो समझौता हमारा हुआ है 3 दिसंबर को, उस समझौते को लागू करें, उसमें सारे बिंदु हैं। क्या समझौता 3 दिसंबर 2022 को हुआ था जिसको सरकार अब लागू करने से पीछे हट रही है? ये तो सरकार ने जो समझौता किया उसकी कापी पूरी पढ़ के तो नहीं सुना पाऊंगा इस वक्त। क्या कुछ मांगे बता दी, कुछ पॉइंट पे सब पॉइंटों पे सहमत बनी थी। जितने पॉइंट हम बता रहे हैं आपको, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, पुरानी पेंशन के खिलाफ, इनमें कुछ पे सहमति बनी थी। तो जो सहमति बन चुकी है उसको लागू करने में क्या दिक्कत है? अब बार बार वो कहते हैं कि मैं कमेटी पर डाल दूंगा, जब आपने खुद समझौता किया है, आप मंत्री हैं, तो फिर कमेटी कौन, उससे ऊपर कौन सी कमेटी आप बैठा लेंगे? पहले ऊर्जा मंत्री इस पे जो है सहमत हुए थे, सहमत है, दस्तखत है उनके, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि हम इसकी समीक्षा करें। क्या समीक्षा करेंगे आप? समझौता आपका है, समीक्षा आप क्या करेंगे? आपको लागू कीजिए। हम अभी 19 तारीख तक हम लोगों का हड़ताल है, अगर वो समझौता कर ले, वो पे एग्रीड हो जाते हैं, लागू करते हैं, तो हम लोग वापस हो जाएंगे।
तीन दिन की भी 72 घंटे की हड़ताल है और ये सरकार घुमा रही है कि हमने समझौता कर लिया, लोगों को बेवकूफ़ बना दिया, फिर उसके बाद अब 3 महीने के बाद हम लोग जब आंदोलन कर रहे हैं तो फिर कह रहे हैं कि वार्ता कर लीजिए, और वार्ता करते हैं तो उस पर एग्रीड नहीं होते। तो जब तक आप समझौते का पालन नहीं करेंगे तब तक ये आंदोलन चलेगा, 19 तक का अभी है, अगर यदि कोई गिरफ्तारियाँ वगैरह होंगी तो फिर आगे बढ़ जाएगा। अगर गिरफ्तारियाँ होती तो आप लोग एक देशव्यापी आंदोलन, प्रदेशव्यापी आंदोलन करेंगे? अनिश्चितकालीन आंदोलन होगा, अनिश्चितकालीन आंदोलन, अनिश्चितकालीन आंदोलन। लेकिन सरकार कह रही है कि अगर आप कार्य पे वापस नहीं आते, अगर बिजली आपूर्ति पे दिक्कत होती है क्योंकि गर्मियों का महीना आ रहा है, तो एस्मा की कार्रवाई की भी बात की जा रही है। एस्मा का कोई मतलब ही नहीं है, हम लोग हड़ताल पे हैं, हड़ताल के पीरियड में तनख्वाह तो कटती है मान लेते हैं, लेकिन एस्मा का क्या मतलब, कौन सा क्राइम कर रहे हैं हम लोग, और कोई हम किसी को रोक थोड़े रहे ना, तोड़ फोड़ कर रहे हैं कुछ, तो इसमें किस बात का लगाएंगे, कोई गुंडे कर रहे हैं हम लोग, तो कोई इसमें इसमें नहीं, उस धमकाने वाली बातें हैं सरकार की, और अगर लगाएंगी भी तो हड़ताल और बढ़ेगी आगे। तो आपका मानना है कि सरकार जो है इस प्रकार की चीज़ों से कर्मचारियों को उकसाना, हड़ताल पर धमकाना चाहती है, धमकाना चाह रही है सरकार धमकाना चाह रही है कि ताकि कर्मचारी डर के हमारे ड्यूटी पर आ जाए, ताकि इनके आंदोलन फेल हो जाए, और कर्मचारी की जो मांगे हैं उनको वैसे ही पड़ा रहने, इसलिए हम लोग आंदोलन से पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम लोगों ने बहुत आंदोलन देखे हैं और फिर तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से कर्मचारी जो हैं अपने मुद्दों को लेकर, अपनी बातों को लेकर स्पष्ट कर चुके हैं और कह रहे हैं कि 3 दिसंबर 2022 को जो ऊर्जा मंत्री के साथ करार हुआ था, समझौता हुआ था, उस पर उनके हस्ताक्षर हैं, अब जाके जो है ऊर्जा मंत्री अपनी बातों से मुकर रहे हैं और हमारी नहीं सुन रहे हैं। जो भी स्पष्टीकरण है, जो मांगे हैं उनकी, कैशलेस सुविधा की मांगे हैं, वेतन बढ़ोतरी की मांगे हैं, तमाम तरह की मांगे हैं, प्राइवेटाइजेशन के, निजीकरण के खिलाफ मांगे हैं, लेकिन सरकार उनकी नहीं सुन रही है और एस्मा का नाम लगाकर उनको धमकाने का प्रयास कर रही है। हम और भी लोगों से जानेंगे क्या कुछ मुद्दे हैं, किस कारण से वो धरने पे बैठे हुए हैं यहाँ पे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम डीपी सिंह है। सर आप किस पद पे हैं? मैं अवर अभियंता के पद पे हूँ। अवर अभियंता के पद पे हैं। तो सर ये बताइए कि आप लोगों ने 72 घंटे की कार्य बहिष्कार की बात की है, आज कल रात से शुरू हुआ है, अब तक जारी है, यही ऊर्जा मंत्री लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एस्मा लगाने की बात कर रहे हैं जी। एस्मा लगावें या वो फांसी लगावें, हम लोग हड़ताल पर हैं तो हड़ताल पर रहेंगे, और सारे कर्मचारी हैं, हमारे नेता का जो आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। और ऊर्जा मंत्री झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, अगर अभी देखिए हमारे नेताजी भाषण से बता रहे हैं कि वो बार बार यही कहते हैं कि मेरी बात सुन लीजिए, मैं कब तक सुना जाए उनकी बात भाई। एक समय निर्णय होता है, आज 105 दिन से वार्ता चल रही है उन लोगों से, आपस में जो भी चल रही है हमारे सीनियर अधिकारियों की, नेताओं की, लेकिन वो सुन नहीं रहे हैं। और सबसे बड़ा तो मुख्य कारण हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, वो बहुत किस प्रकार का उनका नेचर है, कर्मचारियों से बड़ी मिसबिहेव बात करते हैं, इस वजह से और भी जनता मतलब हम लोगों में आक्रोश है, नेताओं में आक्रोश है और हमारे स्टाफ में आक्रोश है, जितने भी हमारे कर्मचारी हैं उसमें चेयरमैन को लेकर ज़्यादा ही आक्रोश है, और चेयरमैन को लगातार चेयरमैन को हटाने की बात भी चल रही है। बिल्कुल, देखिए हम लोग चेयरमैन को बिल्कुल नहीं झेल पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर रहे हैं, केवल चेयरमैन काम टॉर्चर करना है। क्या वो सहयोग नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं, केवल उनका काम एक बैठ के बीसी, केवल बीसी से, देखिए शक्ति भवन बैठ के काम नहीं होता है, आप नीचे उतर के भी देखिए कि हमारे कर्मचारी हमारे अधिकारी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, सामान के नाम पर 0 है, और केवल ये बरगलाया के ऊपर को बरगलाया करते हैं कि नहीं नहीं आप लोग काम करिए, ये व्यवस्था है वो व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं है, और हम लोग काफ़ी इनसे परेशान हो चुके हैं, त्रस्त हो चुके हैं, और हड़ताल के अलावा कोई विकल्प बचा नहीं है। देखिए और हड़ताल में भी देखिए जो बता रहे थे कि तोड़ फोड़, हम लोग हमारा घर है, देखिए बिजली विभाग शक्ति भवन मेरा घर है, हमको लौट के इसी घर में आना है, तो ये कह देना कि हम अपने घर को तोड़ फोड़ करके जा रहे हैं, फिर हम लौटेंगे तो हमें घर को सजाना पड़ेगा, तो हम लोग कहीं तोड़ फोड़ नहीं कर रहे हैं, केवल ये बरगला रहे हैं, जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि ताकि जनता हम कर्मचारियों के उसमें आक्रोशित हो जाए, और हम लोग जनता का भी सहयोग चाहते हैं, और जनता सहयोग हम लोगों का दे भी रही है और भविष्य में भी देगी, क्योंकि जनता का भी इसमें बेनिफिट है, क्योंकि अभी प्राइवेट अगर चला जाएगा ये तो जनता को क्या भाव बिजली मिलेगी और कैसे जनता बिजली ठीक होगी ये तो वक्त बताएगा सर। क्या कुछ समझौता जो है वो 3 दिसंबर 2022 को ऊर्जा मंत्री के साथ हुआ था, जिसके बाद वो अपने बातों से मुकर रहे हैं, ऐसा आरोप आप लगा रहे हैं? कोई समझौता नहीं, एक लाली पाप जैसे बच्चों को झुंझुना दिया जाता है, जो हमारे बड़े लीडर जाते हैं बैठ के बस वही थोड़ी देर ही हा होती, चाय पानी मंगाया, उसके बाद वो बातों पर बातों टल के वो मीठी मीठी बातें,
देखिए हमारे हुंजा मंत्री जो है बहुत लच्छेदार बातें करते हैं, और जब वो बैठते हैं टेबल पे तो वाकई तो लगता है कुछ दे के जाएंगे, लेकिन दे तो जरूर जाते हैं, लॉलीपॉप दे के चले जाते हैं। आज भी ऊर्जा मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सभी जो है बिजली कर्मचारियों को कहा है कि वो अपने काम पे वापस लौटाए। तो कब तक आपका ये जो प्रदर्शन है, कार्य बहिष्कार जारी रहता है अगर सरकार अपनी बात नहीं मानती है? सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो प्रदर्शन जारी रहेगा। अभी 72 घंटे की हड़ताल है, जब तक हमारे लीडर हमारे फ्रंट पे आके घोषणा नहीं करते हैं इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन हड़ताल अगर हमारे बड़े लीडरों ने कर दिया है कि आज अनिश्चितकालीन हड़ताल, तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे भी चले जाएंगे। इसके आगे कोई समझौता नहीं है। बाकी हमारे जो भी नेता हैं बीच में भी आएंगे, वार्तालाप होगी, उनसे वार्ता होगी, बात होगी, जैसा भी वो निर्देश देंगे हम लोग उसी पे उन्हीं के आदेशों का पालन करेंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो कर्मचारी हैं लगातार अपनी मांगों पे अड़े हुए हैं, और वो तब तक अपनी मांगों पे अड़े रहेंगे, कार्य बहिष्कार कर देंगे जब तक उनकी मांगें मानी नहीं जाएंगी। अगर उनकी मांगे सरकार 72 घंटों के अंदर नहीं मांगती हैं, तो इन कर्मचारियों का साफ कहना है कि वो प्रदेशव्यापी अनिश्चितकालीन एक आंदोलन भी करेंगे। हम और भी कुछ लोगों से जानेंगे कि क्या मुद्दा है, किस पे वो ये प्रदर्शन कर रहे हैं और कब तक जो है इस प्रदर्शन के आसार। सर क्या नाम है आपका? मनोज कुमार जायसवाल। आप किस पद पे हैं? सचिव पे हैं लेसा के, लखनऊ के। ये बताइए कि लगातार जो है वो ऊर्जा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वापस आने की बात कर रहे हैं, वहीं आप लोगों ने 72 घंटे का ये कार्य बहिष्कार किया, तो कब तक जारी रहेगा ये कार्य बहिष्कार? 72 घंटे तक जारी रहेगा, कल से 10 बजे से स्टार्ट है। तो ये बताइए अगर 72 घंटे कार्य बहिष्कार के बाद भी सरकार अगर आपकी बातें नहीं मानती है तो उसके बाद क्या रुख जो है आप लोग अपनाएंगे? 70 घंटे बाद बता देंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी। ऊर्जा मंत्री ने एस्मा लगाने की बात कही है, किस प्रकार से आप इस चीज़ को देखते हैं? एस्मा बिजली विभाग में हमेशा लगा रहता है। क्या कुछ समझौता जो है वो 3 दिसंबर 2022 को हुआ था, जिसके बाद जो है स्थिति जो है मानने की बजाय और भी बिगड़ने चली जा रही है, कर्मचारियों और सरकार में एक रोष सा उत्पन्न हो रहा है, गतिविधि वहीं कमजोर नजर आ रही है? ये विद्युत उद्योग है, विद्युत उद्योग में जो अशांति फैली है, केवल जो प्रबंध शीर्ष प्रबंधन है चेयरमैन साहब, केवल उनकी वजह से ऐसा प्रतीत हो रहा है। नहीं तो ऊर्जा मंत्री जी हम लोग के साथ हैं और उन्होंने साथ रहने के कारण ही 3 दिसंबर को 14 सूत्री मांगों को उन्होंने सहमति व्यक्त की थी, और उन्हीं के सम्मान में उन्होंने वचन दिया था। जैसे भगवान राम ने राजा दशरथ के सम्मान में वनवास गए थे, उसी तरह ये भी हड़ताल जो है ऊर्जा मंत्री के सम्मान में हो रहा है। दादा ये बताइए क्या नाम है आपका और किस पद पे आप? एमए आलम नाम है मेरा, और मैं रिटायर्ड जूनियर हूँ जी। आज आप अपने संगठन के साथ खड़े हैं, सरकार वर्सेस संगठन का यह मामला है, आप 72 घंटे के कार्य बहिष्कार पे हैं, सरकार किन मुद्दों पे आपसे राजी नहीं है, क्या कुछ मांगे हैं आपकी? देखिए सरकार से जो समझौता हुआ वो समझौते का जब पालन नहीं हो रहा तो बताइए फिर उसके बाद क्या किया जाए। एक 3 दिसंबर का समझौता और उसके बाद जो है वो कहते हैं कि साहब हमने ये कर दिया वो कर दिया, और करा कुछ नहीं भाई। समझौते के बाद अब वो फिर कह रहे हैं कि कमेटी बनाई देते हैं, फिर कमेटी बनेगी, फिर उसके बाद कमेटी क्या करेगी? जब एक समझौता हो चुका, एक हमारा आपके बीच में बातचीत हो गई और एक निष्कर्ष निकल चुका है, तो उसके बाद फिर अब कोई बात नहीं रहती है, अब तो समझौते का पालन करना ही जरूरी है। ये बताइए लगातार एके शर्मा एस्मा की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि कई जगह पे तोड़फोड़ भी कर्मचारियों के द्वारा, जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी उनके द्वारा देखी गई है, और ऐसे लोगों को जल्द ही चिन्हित किया जाएगा, चाहे वो पाताल में भी छुपे हैं उनको खोज निकाला जाएगा। सरकार की नीति ये है कि कर्मचारी के विरुद्ध जो कह सकते हैं कितना कह सकते हैं वो उन्हें कहना है, अगर तोड़फोड़ हुई तो उसकी FIR होना चाहिए। हम तो ये कहते हैं अगर किसी ने FIR तोड़फोड़ करी है तो उसकी FIR कहीं आज तक मंत्री जी के पास कोई भी लिखित में नहीं है, कहीं कोई FIR नहीं है, खाली मंत्री जी कह रहे हैं कि तोड़फोड़ हो रही है। तोड़फोड़ हो रही है तो उसको दिखाइए आप कहां पर हो रही है। ये बताइए और क्या कुछ मांगे हैं आपके संगठन की, जो सरकार जो है सुनने से इनकार कर रही है, क्योंकि लगातार कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया एके शर्मा जी ने, और आज भी 1:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, लगातार आप लोग को अपने काम पे लौटने की बात कर रहे हैं, लेकिन किन मुद्दों को लेकर असहमति बनी हुई है?
जैसे अभी हमारी तो जिस उनसे पहली जो राउंड में बात हुई तो उन्होंने कुछ टाइम दिया, फिर उस हमने अपना उनका मांग पत्र दिया जिसमें 14 पॉइंट थे, फिर उस मांग पत्र को उन्होंने गहन अध्ययन किया, फिर हमको 20 दिन बाद हमारी ऊर्जा मंत्री जी से उस पॉइंट पे समझौते हुए, फिर जब समझौते हुए तो उन पे सारे में उन्होंने कहा कि आपके तर्क संगत है और तर्क संगत है इसलिए हम इसको सब मान्य करते हैं। फिर इसका आया कि एक क्रियान्वित कर लिया जाए। भाई जब हमारा ऊर्जा निगम का बिग बॉस ऊर्जा मंत्री होता है उसके नीचे चेयरमैन आते हैं, जब हमारा बिग बॉस से समझौता हो गया, उन्होंने मान लिया हमारी बातें कि ये आप जो मांग रहे हो ये सही है, क्योंकि उसमें हमने जो मांगना था ऐसा कोई ऐसा पॉइंट नहीं था कि जो उनसे गलत मांगा हो या नहीं मांग रही हो। लेकिन फिर उन्होंने कहा इसमें कि सब मांग 14 पॉइंट हमारे हैं, 14 हम आपके मान रहे हैं, लेकिन इसमें हमें 15 दिन का टाइम दीजिए, क्योंकि कोई चीज़ क्रियान्वित करने के लिए कुछ टाइम लगता है। हम लोगों ने कहा कोई बात नहीं, 15 दिन का टाइम, वो हमारा करीब 108 दिन आज हो गया। 108 दिन में उन लोगों ने कोई मान उस पर एक्शन नहीं लिया, और उसके बावजूद हम लोगों ने क्रिया, जैसे सर आपको एक इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाहता हूँ कि ऊर्जा मंत्री से जो समझौते हो जाता है तो क्रियान्वित हमारे चेयरमैन साहब करते हैं माननीय एम देवराज साहब, वो उस बात को लेके जब हम लोगों ने उनसे पहुँचे कि सर इससे समझौता हो, इसे क्रियान्वित किया जाए, उन्होंने अपने ही बॉस के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। अब ये देखिए, जो ऊर्जा मंत्री साहब को यह स्पष्टीकरण देना चाहिए था कि मेरे अंडर का एक कर्मचारी कैसे मेरे समझौते को नहीं मान रहा है, उल्टा उन्होंने ब्लेम लगाया कि आप ये नहीं, हम इस पर पुनः कमेटी बना देंगे। महोदय आपको, आप तो आईएएस रहे हैं, नेता बने हैं, लेकिन आईएएस में इतना तो था ही कि जो निर्णय हो जाता है फिर उस पर निरस्त होता है, फिर कमेटी क्या। इसलिए वो आईएएस के जो डिफिनीशन में आपको ट्रेनिंग दी गई थी ना वो पालन कर रहे हैं, और जो हमने आपको वोट देके ऊर्जा मंत्री बनाया था अब ना वो पालन कर रहे हैं। महोदय आप दोनों में फेल हो रहे हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो चीज़ें ऊर्जा मंत्री ने स्पष्ट कर दी थी, समझौते कर दी थी, देवराजन साहब जो चेयरमैन है उन्होंने इस बातों को नहीं माना और फंस रहे हैं जो कर्मचारी हैं। जी तो उस समय के लिए जब देवराज साहब उसको आदेश को नहीं मान रहे हैं तो ये महोदय माननीय अपने ऊर्जा मंत्री साहब का दायित्व था, वो उसको करवाते। अगर कोई चीज़ उसमें कमी रह जाती तो जो हम लोगों ने उसको दिया था पहले, जो पहले हमने दिया था ये अपना नोटिस, उस समय पहले वो दोनों लोग तालमेल मिला लिए होते, फिर समझौते किए होते, अगर कोई कमी था हमारा तो हम उसको दुरुस्त करते या उनके जो कोई सुझाव थे हम लेते। लेकिन जब घर का मुखिया किसी चीज़ का आदेश को मान लेता है तो उसे नीचे वाले को कौन सा अधिकार दे दिया, किसने दे दिया कि आप उस पर बैक होइए। अतः यह संवैधानिक और मर्यादित और मनुष्यता के भी खिलाफ निर्णय लिया गया। अतः मुझे एक ही बात कहना है कि महोदय मंत्री जी अभी भी बिना आपसे करबद्ध निवेदन है कि उस पॉइंट को लाइए जो आप कहे हैं, और आप तो रामराज की बात करते हैं, रामराज में भी तो यही कहा गया है प्राण जाए पर वचन न जाए। मंत्री जी आपका रामराज का पहले ही स्टेप में फेल हो रहे हैं, या तो रामराज की बात ना करिएगा या तो बात करिएगा तो अपने प्राण जाए पर वचन न जाए। अपने वचन के निभाने के लिए आपसे निवेदन है कि उस रामराज की सौगंध भी आपको है कि आप उसको निभाएंगे और हम लोग की जायज मांग को पूरा करेंगे। अच्छा ये बताइए कि आप लोगों के कार्य बहिष्कार के बाद ऐसी खबरें आ रही हैं कि कई जगहों पे जो 33 केवी का जो स्टेशन है वहाँ पे बिजली आपूर्ति की बाधा आ रही है। प्रयागराज ले लीजिए, गोरखपुर ले लीजिए, लखनऊ के कई जगहों की बात कर लीजिए, तो लगातार जनता जो है वो कहीं ना कहीं जनता भी इसमें पिस रही है। तो कब तक जो है आपकी ये कार्य बहिष्कार चलेगा, सरकार अगर ध्यान नहीं देती, क्योंकि सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। देखिए हम लोग एकदम क्लियर हैं क्योंकि हम जनता के बीच के हैं, हम लोग जनता के बीच से आए हुए हैं। सरकार 5 साल का मेहमान होती है, हम लोग यहाँ 35 साल नौकरी करते हैं, हम जनता को कोई कष्ट नहीं देंगे। हम लोग 3 दिन का हमारा ये हड़ताल है, 3 दिन के बाद अगर नहीं माना जा रहा है
तो फिर हम लोग अपने विचार करेंगे और हर हाल में जनता हमारे लिए पूजनीय है, हम उसके लिए सेवा करेंगे। क्या आपको लगता है कि जनता भी आपके आंदोलन में आपके साथ रहेगी? जी, जनता हमारे साथ पूरी रूप से है। अगर जनता साथ ना होती तो आज करीब बहुत जिलों में आप देख रहे होंगे बिजली का संकट है, तो वहाँ जनता सड़कों में होती। लेकिन जनता को पूरा विश्वास है कि जो ये मेरा कर्मचारी, मेरा भाई, मेरा लड़का लड़ रहा है, वो मेरे भलाई के लिए लड़ रहा है। कि अगर ये हार गया तो ये निजी घराने के लोग जिस दिन ले लेंगे, तो उनको याद है कि मेडिकल निजी घराने में गया तो उसके बच्चे, उसके भाई, उस निजी घराने के जब मेडिकल में जाते हैं तो उसका पहले खेत बिकता है, फिर भी उसका बेटा अगर किसी कारण से मर भी जाता है, उसके बाद भी उसको लोग वेंटिलेटर पे रख के जिंदा रखते हैं। इसलिए उसको वो दिन से दूर रखने के लिए हमारे साथ पूरे सारे ग्रामीण के लोग, साइंस शहर के लोग, सब लोग साथ हमारे साथ पब्लिक है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो आंदोलनकर्मी हैं, बिजली कर्मी हैं, वो लगातार जो है वो जनता के सपोर्ट की बात कर रहे हैं कि जनता उनके साथ है, क्योंकि जनता इस संकट के समय में भी सड़कों पर नहीं उतरी है, जनता उनकी बातों को समझ रही है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये पूरा मामला है, किन बातों पर असहमति हो गई है, आगे क्या कुछ करने का इरादा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रणवीर सिंह है। किस पद पे हैं आप? मैं सियासी अभियंता हूँ मध्यांचल में। मध्यांचल में आप सियासी अभियंता है। आपने 24 कुल मिला के 3 दिनों के कार्य बहिष्कार की बात की है। लगातार AK शर्मा आप लोगों से कार्य पे लौटने की उम्मीद कर रहे हैं, बुला रहे हैं, लेकिन आपने 72 घंटे की हड़ताल की बात की है। सरकार अगर अपनी आपकी मांगे नहीं मानती है तो आगे की क्या रणनीति होगी? आगे की रणनीति जो हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी जो समिति है, संयुक्त संघर्ष समिति, जो निर्देश देगी वही हम लोग फॉलो करेंगे और वही पालन होगा पूरी तरह, अच्छर सा उसी का पालन किया जाएगा। अभी जो है केवल 72 घंटे, 19 तारीख तक 72 घंटे की हड़ताल के लिए हमें कहा गया है। हम लोग उस हड़ताल में पूरी तरह से पूरी निष्ठा के साथ लगे हुए हैं उसको सफल बनाने के लिए। ये बताइए कि जिस तरीके से देवराजन साहब का विरोध जो है वो संगठन कर रहा है, तो क्या आपके चेयरमैन आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ऊर्जा मंत्री के साथ एक आपका समझौता हो गया था, ऐसा आप बताया जा रहा है कि उन्होंने आप लोग की बातें मांग ली थी, लेकिन देवराजन साहब ने बाद में है आप लोग को सपोर्ट नहीं किया था, क्या कुछ मामला था? मामला यही है कि 3 तारीख का जो समझौता है उसको मानने से इंकार किया जा रहा है। माननीय मंत्री जी ऊर्जा मंत्री जी के माध्यम से हम लोग बार बार अपील भी करते रहे कि उस समझौते का क्रियान्वयन किया जाए, लेकिन केवल चेयरमैन साहब ही नहीं, पूरा प्रबंधन, ऊर्जा प्रबंधन जो है उस समझौते को मानने से इनकार कर रहा है। उसका पालन करने के लिए कोई भी प्रक्रिया नहीं शुरू करी गई है। यही हमारी मांगे हैं कि उनको मान लिया जाए। हमारे आंदोलन जो हो रहा है वो किसी नई मांगों के लिए नहीं हो रहा है। हमारा जो आंदोलन है वो केवल उन्हीं मांगों को मनवाने के लिए है कि जो समझौता 3 दिसंबर 2022 को किया गया था उसको पालन कराया जाए। इसी संदर्भ में पहले कार बहिष्कार हुआ है, उसके बाद हम लीगल नोटिस के उपरांत कार बहिष्कार, और उसके बाद हम लोग आज हड़ताल पर, हम लोगों को मजबूर किया गया है, हड़ताल पर हम लोगों को थोपा गया है, ना कि हम लोग हड़ताल कर रहे हैं। तो हमारे पास अब अपनी मांगों को मनवाने के लिए और कोई भी रास्ता नहीं बचा हुआ है। क्या नाम है सर आपका और किस पद पे आप हैं? AK सिंह, मैं रिटायर्ड अर्थशास्त्री अभियंता हूँ। आप रिटायर्ड अर्थशास्त्री अभियंता हैं, अपने संगठन के साथ आप खड़े हैं, काफी उत्साह है आपके संगठन के कार्यकर्ताओं में, लेकिन लगातार सरकार आपकी मांगों को नहीं सुन रही, क्या कुछ मेन वजह है? ऐसा कोई नई मांग नहीं है हमारी, कोई नई मांग नहीं है। हमें जो मिलता रहा है वही चीजें बीच में रोकी गई हैं, जैसे कि समयबद्ध वेतनमान, पहला समयबद्ध वेतनमान 9 साल, दूसरा 14 साल, तीसरा 19 साल में मिलता रहा है। कुछ दिक्कत आ रही है। पहला समयबद्ध वेतनमान हम लोगों को JEE को सहायक अभियंता का, दूसरा सहायक अभियंता का, तीसरा अधीक्षण अभियंता का मिलता था, तो इसमें कुछ दिक्कत हो रही है। उसी की हमारी मांग है कि हमें जैसे पहले मिलता रहा है वैसे मिलना चाहिए। कोई नई मांग नहीं है इसमें कि सरकार पे कोई और ज़्यादा वित्तीय संकट हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस जो मिल रहा था वो हमें मिलना चाहिए, यही मांग है हमारी। कुल कितने संगठन जो हैं आपके इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं? 16 संगठन है इसमें। AK शर्मा ने कहा है कि कुल 9 संगठन उन्हें भी सपोर्ट कर रहे हैं। किस तरीके से आप इन चीज़ों को देखते हैं? 72 घंटे का कार्य बहिष्कार है, अगर सरकार उन मांगों को नहीं मानती है तो आगे क्या रणनीति होगी? देखिए, लोकतंत्र में विरोध दर्ज कराना हर व्यक्ति का अधिकार है। उसी के तहत हम लोग भी जो कर्मचारी संगठन हैं वो सरकार से विरोध दर्ज करा रहे हैं। 3 दिसंबर 2022 को एक समझौता हुआ था, उसमें 14 बिंदु हैं।
14 बिंदु पर सहमति बनी थी कि हम इस पर आदेश पारित करेंगे, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ अभी तक। तो वही याद दिलाया जा रहा है कि मान्यवर, जो 3 दिसंबर को शासन के बीच से और हमारे संगठनों के बीच समझौता हुआ था, उसको मतलब आदेश पारित कराइए, इसमें कोई नई बात नहीं है, हम वही उनको याद दिला रहे हैं। आपको आरोप है कि आपके चेयरमैन आपके संगठन का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, चेयरमैन जो है लगातार इस बात का विरोध करें, क्योंकि AK शर्मा ने 3 दिसंबर 2022 के समझौते को मान लिया था, हस्ताक्षर भी उनके हैं ऐसा आप लोग बता रहे हैं, लेकिन कहां बात गड़बड़ा गई कि देवराजन साहब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? देखिए, ये तो बात सही है कि देवराज साहब का समर्थन नहीं है, लेकिन यह है कि ऊर्जा मंत्री भी विद्युत विभाग से जुड़े हुए हैं, ऊर्जा मंत्री जी से बात हुई, प्रमुख सचिव ऊर्जा से बात हुई, ये लोग हमारी मांगों से सहमत थे, और वो जो समझौता हुआ था उसमें चेयरमैन साहब नहीं थे, लेकिन सरकार के ऊर्जा मंत्री, प्रमुख सचिव ऊर्जा ये सम्मिलित थे। इन्होंने आश्वासन दिया कि हम चेयरमैन से बात करके आपकी जो मांगे हैं उस पर आदेश कराएंगे। तो हम लोगों को भी कहीं ना कहीं विश्वास तो करना ही पड़ता है, चाहे सरकार में विश्वास करें, शासन में विश्वास करें, उनकी बात पे विश्वास किए कि ये मतलब जो ऊर्जा प्रबंधन है उससे बात करेंगे, उनको समझाएंगे, और उन्हीं के द्वारा आदेश होना है। इसके पहले AK शर्मा के पहले जो है वो श्रीकांत शर्मा ऊर्जा मंत्री थे, तो इन दोनों के कार्यकाल को जो है आप किस प्रकार से देखते हैं? नहीं, कार्यकाल ठीक है, शर्मा साहब का भी ठीक है, उनका भी ठीक है। देखिए, शर्मा साहब ने कहा कि एक बार हमारे पे भी विश्वास करिए, तो विश्वास करना होता है, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है, विश्वास हम लोगों ने किया, लेकिन विश्वास पे वो विश्वास अभी धरातल पे विश्वास के रूप में नहीं उतरा है, याद दिला रहे हैं उनको, अभी विश्वास है, विश्वास नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अब याद दिलाया जा रहा है कि सर आपसे एक बात हुई थी, आपने कहा था कि हम कराएंगे, तो लोकतंत्र में कहा ही जा सकता है, कहने के तहत कहा जा रहा है। तीन दिन की ही सांकेतिक हमारी हड़ताल भी है, कोई अनिश्चितकालीन तो है नहीं। और इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे हम लोगों ने जो है विद्युत कर्मियों की आवाज़ जो है आप तक पहुंचाई, आपने देखा कि उन्होंने हमसे बातचीत करने हुए अपनी मांगों को बताया और कहा कि 3 दिसंबर 2022 को जो समझौता हुआ था उस समझौते पर ऊर्जा मंत्री AK शर्मा के हस्ताक्षर थे, लेकिन बाद में जो चेयरमैन हैं M देवराजन साहब, उन्होंने इसको मानने से इनकार कर दिया। आप देख सकते हैं किस प्रकार से कर्मचारी यहाँ बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं और लगातार प्ले कार्ड लेके अपने आंदोलन को मजबूत बनाते हुए दिख रहे हैं। सबके हाथ में एक प्ले कार्ड है और आंदोलन को वो मजबूत बना रहे हैं और सरकार से अपनी गुहार लगा रहे हैं कि जो मांगे उनकी हैं उनको मांगा जाए। वो कह रहे हैं लगातार कि ये मांगे कोई नई मांगे नहीं है, जो मांगे हैं वो उनको पहले से वो मिलती आई हैं और उस पर जो है सरकार अपना ध्यान केंद्रित करे। 72 घंटे के हड़ताल है, कार्य बहिष्कार है, अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती है तो वो एक अनिश्चितकालीन धरने पे जाएंगे। मार्च का महीना है, गर्मी आने वाली है, इस समय बिजली की कटौती में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। इस पर बातचीत में उन्होंने बताया कि जो जनता है वो इन लोगों के साथ है, बिजली कर्मियों के साथ है, आंदोलन कर्मियों के साथ है, क्योंकि अगर जनता को दिक्कत होगी तो उनको दिक्कत होगी, कहीं ना कहीं जनता की सेवा कई साल से कर रहे हैं। अब आप हम आपको दिखा सकते हैं कि तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे जुटे हुए हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और सरकार से अपनी मांगे मनवाते हुए मांगों को मजबूत कर रहे हैं, अपनी मांगों को मजबूत कर रहे हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, ऊर्जा मंत्री को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं, सबके हाथों में प्ले कार्ड है और अपनी मांग को लेकर लगातार बिजली कर्मी अड़े हुए हैं और 72 घंटे की हड़ताल पे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ मैं विवेक शाही, प्राइम टीवी, लखनऊ। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।